चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायगोनल, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट इज 10, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप एट एनी इंस्टेंट विल बी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है? एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है, थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो इसमें क्वेश्चन में एन की वैल्यू दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ टर्न्स, एन की वैल्यू 10 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया कितना निकाल सकते हैं, साइड एरिया निकल जाएगा साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी कंसिडर कर लेते हैं, दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में, चलो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एन की वैल्यू 10, बी साइड का स्क्वायर एरिया हो गया कॉस ओमेगा टी, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, फ्लक्स 10 बी ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, 10 बी ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।